गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माय नेम इज़ रमनदीप कौर। ये लेक्चर है आपका कंपनी लॉ का। आज हम अपने इस लेक्चर में जो हमने शेयर कैपिटल का टॉपिक स्टार्ट किया है उसके जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है अल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल, शेयर वारंट और शेयर सर्टिफिकेट, उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट टॉपिक है हमारा अल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल। ठीक है, तो सेक्शन 61 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, इसके अंदर क्या है कि हम जो कैपिटल है शेयर कैपिटल उसको ऑल्टर कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ठीक है जी, तो कंपनी जो लिमिटेड बाय शेयर है या गारंटी है, ठीक है, अगर उसके आर्टिकल में ऑथराइज्ड है तो वो अपनी शेयर कैपिटल जो है वो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करके उसको ऑल्टर कर सकती है। ठीक है, तो कैसे वो ऑल्टर, क्या क्या चेंजेस कर सकती है? ठीक है, वो अपनी शेयर कैपिटल जो है उसको इंक्रीज कर सकती है, उसको कंसोलिडेट कर सकती है। ठीक है, ठीक है, मींस के जो एग्जिस्टिंग शेयर है उनको लार्जर डिनोमिनेशन में कंसोलिडेट कर सकती है। ठीक है, जो उसके फुली पेड अप शेयर हैं उसको स्टॉक में कन्वर्ट करके, जो उसका ओल्ट के जो स्टॉक है उसको फुली पेड अप शेयर्स में कन्वर्ट करके। ठीक है, जो उसके एग्जिस्टिंग शेयर्स हैं उसको स्मॉलर डिनोमिनेशन में सब डिवाइड करके। ठीक है, और कैंसिल कर सकती है शेयर्स विच हैव नॉट बीन टेकन अप, जो अभी तक नहीं लेगी उनको कैंसिल कर सकती है। ठीक है, तो थिंग्स, कौन सी चीज़ें जो हैं वो हमें रिमेंबर रखनी होगी शेयर कैपिटल को अल्टर करने के लिए? तो अगर, ठीक है, कंपनी रिक्वायर अथॉरिटी इन इट्स आर्टिकल टू अल्टर द कैपिटल क्लॉज। ठीक है, कि कंपनी को उसके आर्टिकल में ही अथॉरिटी की ज़रूरत है अपने कैपिटल क्लॉज को अल्टर करने के लिए। अगर आर्टिकल जो है उसको पावर नहीं प्रोवाइड करता कैपिटल क्लॉज को अल्टर करने के लिए, तो जो आर्टिकल है उसको अमेंड करना पड़ेगा स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके। उसको अल्टरेशन, कैपिटल की अल्टरेशन करने से पहले हमें आर्टिकल में अमेंडमेंट पास करनी होगी। किस चीज़, कैसे पास करेंगे वो हम एक स्पेशल रेजोल्यूशन जो है उसको पास करने पर ही हम कैपिटल जो है उसकी अल्टरेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो सेकंड इज़ जो कंपनी है उनको एक नोटिस जो है वो फाइल करना पड़ेगा, जो भी प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म है। ठीक है, उसको कहाँ देना पड़ेगा? रजिस्ट्रार ऑफिस को। ठीक है, 30 डेज़ के अंदर। ठीक है, जो भी उन्होंने अल्टरेशन किया, इंक्रीज, रिडम्पशन किया अपनी, है ना, अल्टर किया शेयर कैपिटल, तो उसका वो उनको नोटिस 30 डेज़ के अंदर देना होगा रजिस्ट्रार को। ठीक है, अगर कोई भी कॉन्ट्रावेंशन होती है, कोई भी टर्म्स की जो है, ठीक है, जो भी टर्म है उसको ब्रीच किया जाता है, तोड़ा जाता है, जो भी कंडीशंस है, तो कोई डिफ़ॉल्ट क्रिएट किया जाता है, तो उनको पेनाल्टी भी लगती है ₹1000। ठीक है, हर एक डे, जिस डे से उन्होंने जो फॉल्ट डिफ़ॉल्ट जो है वो क्रिएट किया है उस दिन से उनको ₹1000 लगेगा और ₹5 लाख तक लगेगा। ठीक है, जो दोनों में से जो चीज़ लेस होगी वो उनको पेनाल्टी लगेगी। ठीक है, नेक्स्ट इज रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। जब हम ट्रिब्यूनल से कंफर्मेशन करा लेते हैं, ठीक है, एप्लीकेशन जो कंपनी ने दी है उसमें ट्रिब्यूनल ने कंफर्मेशन कर दी, तो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर और लिमिटेड बाय जो गारंटी है वो जिनके पास शेयर कैपिटल है वो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके अपनी शेयर कैपिटल को रिड्यूस कर सकते हैं। राइट, तो इट कैन रिड्यूस द लाइबिलिटी ऑफ शेयर। ठीक है, अपने शेयर की लाइबिलिटी जो है उसको रिड्यूस कर सकते हैं, जो पेड अप शेयर कैपिटल है उसको कैंसिल कर सकते हैं जो लॉस्ट हो चुकी है। ठीक है, नेक्स्ट ये था हमारा टॉपिक शेयर कैपिटल के ऑल्टरेशन के साथ रिलेटेड, कि हम क्या क्या चेंजेस और कैसे चेंजेस कर सकते हैं अपनी शेयर कैपिटल में। सेकंड जो हमारा टॉपिक है वो है शेयर वारंट। ठीक है, तो शेयर वारंट का मीनिंग क्या होता है? अ शेयर वारंट इज़ ए रजिस्टर्ड एविडेंस ऑफ टाइटल टू द शेयर इशूड बाई द कंपनी अंडर इट्स कॉमन सील, ड्यूली स्टैम्प एंड साइंड बाई वन और मोर डायरेक्टर्स एंड काउंटर साइंड बाई सेक्रेटरी ऑफ द कंपनी एज पर आर्टिकल। ठीक है, क्या बोल रहे हैं कि शेयर सर्टिफिकेट क्या होते हैं? ठीक है, एक एविडेंस होता है, ठीक है, कि हमने इस कंपनी के, ठीक है, शेयर लिए हैं, तो वो आपको एक, अगर आपने किसी कंपनी के शेयर जो है सब्सक्राइब किए हैं, खरीदे हैं, तो वो आपको एक शेयर सर्टिफिकेट देंगे जिस पर आपका नाम, ठीक है, कि आपने कितना अमाउंट जो है वो सब्सक्रिप्शन लिया है। ठीक है, तो उस पर वो आपको एक सर्टिफिकेट इशू करेंगे कि ये इन्होंने हमारी कंपनी का शेयर जो है ख़रीदा है, उस पर कंपनी की सील होगी। ठीक है, जो दो डायरेक्टर्स हैं, एक या एक से ज़्यादा जो डायरेक्टर हैं उनके साइंड होंगे और काउंटर साइंड होंगे, सेक्रेटरी जो होगा कंपनी का। ठीक है, तो अगर जो शेयर्स हैं जो एक से ज़्यादा पर्सन ने जॉइंटली ख़रीदे हैं, ठीक है, तो कंपनी सिर्फ एक ही शेयर, उनको अलग अलग शेयर सर्टिफिकेट नहीं इशू करेगी, सिर्फ एक ही शेयर सर्टिफिकेट इशू करेगी होल्डर को। ठीक है, तो कंटेंट क्या होगा सर्टिफिकेट का?
नेम ऑफ द कंपनी एंड द अमाउंट एंड डिवीजन ऑफ अ प्राइज कैप्टर, ठीक है, कंपनी का नेम होगा, अमाउंट होगा, सीरियल नंबर होगा सर्टिफिकेट का, शेयर होल्डर का नाम होगा, ठीक है, नंबर, क्लास ऑफ शेयर जो है उसने होल्ड की है, ठीक है, अमाउंट कितना पे किया है ईच शेयर पर, प्रोविज़न क्या है एंडोर्समेंट की, है ना, सिग्नेचर दोनों डायरेक्टर्स के जो है ना, सेक्रेटरी के, कॉमन सील जो कंपनी की, ठीक है। तो ये कंटेंट है कि शेयर सर्टिफिकेट में ये चीज़ें इंक्लूड होगी, ठीक है। तो शेयर सर्टिफिकेट एक एविडेंस होता है कि हमारे पास जो शेयर होल्डर है उसके पास एक प्रूफ होता है कि उसने इस कंपनी के इतने शेयर्स जो है वो ख़रीदे हैं, ठीक है, इतना उसने अमाउंट पे किया है हर एक शेयर पर, ठीक है। तो ये है सैम्पल शेयर सर्टिफिकेट का, ठीक है, ये दोनों जो है शेयर सर्टिफिकेट के सैंपल हैं, ठीक है। ऐसा होता है शेयर सर्टिफिकेट जिस पर कंपनी का, ठीक है, कंपनी का नाम लिखा होता है, उनकी सील लगी होती है, डायरेक्टर्स के सिग्नेचर होते हैं, ठीक है, सेक्रेटरी के सिग्नेचर होते हैं, अकाउंट होल्डर जो है शेयर होल्डर है उसका नाम लिखा होता है, ठीक है, जितना अमाउंट उसने पेड किया है, ठीक है, हर एक शेयर पर वो लिखा होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो है शेयर वारंट्स और स्टॉक वारंट्स, ठीक है। तो शेयर वारंट और स्टॉक वारंट क्या होता है? अ स्टॉक वारंट रिप्रेजेंट द राइट टू परचेज अ कंपनी स्टॉक एट अ स्पेसिफिक प्राइस एंड एट अ प्राइस डेट, सॉरी स्पेसिफिक डेट, ठीक है। स्टॉक वारंट एक रिप्रेजेंट, ठीक है, क्या होता है कि राइट टू परचेज, ठीक है, हमारे पास शेयर होल्डर के पास एक राइट होता है कि वो कंपनी का जो स्टॉक है उसके शेयर जो है एक स्पेसिफिक प्राइस के ऊपर एक स्पेसिफिक डेट को जो है वो परचेज कर सकता है, ठीक है। तो स्टॉक वारंट जो है वो डायरेक्टली कंपनी इशू करती है अपने इन्वेस्टर्स को, ठीक है। तो स्टॉक ऑप्शन जो है वो ट्रेडेड इन्वेस्टर्स के बीच में ट्रेड होते हैं, ठीक है। और स्टॉक वारंट जो है वो फ्यूचर, जो कंपनी की फ्यूचर कैपिटल है उसको रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। नेक्स्ट क्या है कि कंडीशंस क्या हैं शेयर वारंट्स को इशू करने की? मेनली हमारे पास चार कंडीशन जो है वो फुलफ़िल होनी चाहिए अगर आप शेयर वारंट को या शेयर सर्टिफिकेट को, ठीक है, इशू करना चाहते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्या है? ओनली अ पब्लिक कंपनी कैन इशू शेयर वारंट्स, ठीक है। जो कंपनी पब्लिक कंपनी होगी वही जो है वो शेयर वारंट को इशू कर सकती है। और जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है वो ऑथराइज्ड होना चाहिए, ठीक है। जो शेयर्स हैं वो फुली पेड अप होने चाहिए और सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना बहुत ज़रूरी है। तो ये चार कंडीशन जो है वो फुलफ़िल होनी चाहिए अगर कंपनी जो है वो शेयर वारंट इशू करना चाहती है, ठीक है। तो स्टूडेंट ये था हमारा अल्टरेशन ऑफ कैपिटल शेयर सर्टिफिकेट और शेयर वारंट का टॉपिक। अगर आपको इस टॉपिक में कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मेरे से कॉन्टेक्ट करके पूछ लेना। थैंक यू क्लास।